जो खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल की डिग्री है उसकी एक्रेडिटेशन है, वो रिकग्नाइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं, जो खारकीव नेशनल मेडिकल से ग्रेजुएट होकर जाते हैं, वो तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में उनको माना जाता है और काफ़ी हाईली पेड होते हैं और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम 12 कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि यूक्रेन की कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स और पाकिस्तान में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की PMC की लिस्ट A में आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको खारकीव सिटी के बारे में बता दूं। खारकीव सिटी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आती है यूक्रेन में, जो कि 1654 में बनी। ये पहले यूक्रेन का कैपिटल भी रह चुकी है, अब चूँकि कीव है। इसको सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन कहा जाता है कीव के बाद, और ये हब ऑफ एजुकेशनल सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर हैं और इसको सिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी कहा जाता है। यूक्रेन में 40 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन, जो कि 1805 में बनी। इसको लीडर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक जदीद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसको बेस्ट माना जाता है मेडिकल स्टडीज़ में और हेल्थ केयर स्टडीज़ में। खारकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे और हाईली पेड हैं, उनको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से वो ट्रेन होते हैं तो उनकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उसके साथ आपको ये भी बताऊं कि खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूक्रेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो प्रोफेशनली ट्रेन करी है मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, कोई अराउंड 7000 स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा यहाँ पे कोई 3400 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से 5000 स्पेशलिस्ट को ट्रेन कर चुकी है, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। जब स्टूडेंट्स बाहर स्टडी का प्लान करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि उनकी डिग्री की एक्रेडिटेशन क्या है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो जो खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल की डिग्री है उसकी एक्रेडिटेशन है, वो रिकग्नाइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं, जो खारकीव नेशनल मेडिकल से ग्रेजुएट होकर जाते हैं, वो तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में उनको माना जाता है और काफ़ी हाईली पेड होते हैं और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन या इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उनके साथ खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी बाउंडिंग है, और अपनी रिकग्निशन का ये काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हैं। इनकी प्रायोरिटी पे होता है कि क्या इनकी डिग्री को या इनके स्टूडेंट्स की डिग्रीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज किया जाता है या नहीं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इनको ख्याल होता है। उसके बाद मेडिकल के जो प्रोग्राम ऑफर होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जनरल मेडिसिन MD जिसको कहते हैं, वो 6 ईयर का प्रोग्राम है जिसकी ईयरली फ़ी $4800 पर ईयर है। उसके अलावा BDS है 5 ईयर्स का, जिसकी फ़ी $5100 पर ईयर है। फार्मेसी है 5 ईयर्स का, जिसकी फ़ी है $4500 पर ईयर। नर्सिंग है 4 ईयर $4400 पर ईयर। खारकीव चूँकि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इसमें डिपेंड करता है कि आप सेंटर से कितना करीब हैं, यूनिवर्सिटी से कितना करीब हैं। तो हॉस्टल की कॉस्ट पर स्टूडेंट $100 से $150 आ जाती है। हलाल फूड अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए हलाल फूड ईज़िली अवेलेबल है। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से ये काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो बाई रोड जो है वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए हलाल फूड ईज़िली अवेलेबल है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा एक कोर्स है जिसको क्लिनिकल इलेक्टिव कहा जाता है। अपनी मेडिकल की डिग्री कम्प्लीट करने के बाद स्टूडेंट 3 से 4 दिन या लॉन्ग वीक के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जा सकते हैं, ताकि वो इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले सकें और प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर से वो कुछ मज़ीद सीखें अपनी डिग्री के बारे में।
तो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो हम हेल्प करते हैं प्रोसेस में। हमारा प्रोसेस सिंपल है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं, आपके इंटर के, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट प्लस योर पासपोर्ट। आपको फ़ी आपकी इन्विटेशन लेटर की पे करनी पड़ती है, उसके बाद हम इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई कर देते हैं। इन्विटेशन लेटर आने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। खारकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक ही इनटेक होता है, वो होता है सितंबर इनटेक। यूजुअली जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूक्रेन की, उनके दो इनटेक्स होते हैं, एक सितंबर और एक मार्च, लेकिन खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ही इनटेक होता है जो होता है सितंबर में। तो हम बिल्कुल एडमिशन प्रोवाइड करें खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि वो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं या नहीं, तो हम बिल्कुल हेल्प करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे। हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।